के ऊपर अत्याचार बेतहाशा वृद्धि हुई है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकारें आई है, चचा भतीजा की सरकारें आई है, घुटने टेक गई है ये सरकार की। अब बिहार की जनता, तेरह करोड़ जनता जान चुकी है कि अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वो थाने से लेकर के और जिले तक अपराधियों के संरक्षण में ही सरकार चल रही है और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये सरकार आम लोगों को, खासकर के दलित को संरक्षण नहीं दे पा रही है। उनके जितने भी गुंडे हैं दारू पी के इस तरह की कारोबार करते हैं। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दारू बंद है, कहीं भी दारू बंद नहीं है। मैं कल एक शादी समारोह में गया था, आश्चर्य लगा मुझे। पटना में बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, 80% लोग उसमें दारू पिए हुए। दुख की बात तो तब है कि बिहार में हो रहे अत्याचार अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ती ही नहीं, उसको बचाने में लग जाती है। FIR में महिला जो कहती है, FIR नहीं होता है। महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने FIR में क्या दर्शाता है, दुराचार करने का प्रयास किया गया। और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार, पीड़ित परिवार है उसके ऊपर उल्टे यादतन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अभी सरकार से भरोसा उठ चुका है। और कमजोर तबके, जो दलित समाज के लोग हैं, उसकी माँ बहन, कमजोर आदमी को इसकी इज्जत लूटी जाती है, उसको मारपीट किया जाता है, उसका जमीन कब्जा किया जाता है, उसका घर उजाड़ा जाता है। तो इस तरह से पूरे जंगल राज स्थापित हो गया है बिहार में। ये सिद्ध होता है कि जिस जिले का समस्या मुख्यमंत्री के समकक्ष आता है, वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के BDO, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के SP जनता के आवाज को नहीं सुनता, उसकी समस्या को निराकरण नहीं करता है, जिसके वजह से बिहार के मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है। और बिहार के मुख्यमंत्री के आदेश को स्वयं मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि उनके कागज उनके पास तक ही रह जाता है, वो आदेश को कोई प्रशासनिक अधिकारी अमल में नहीं लाता है। जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, NDA की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अगर बना है तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। वो चीख हुआ, नाई हुआ, डफाली हुआ, डूम बिरादरी के हुए, जो अनुसूचित जाति के दर्जे प्राप्त है अल्पसंख्यक समाज में, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में। आप देख रहे हैं केवल सच। पूर्व मंत्री जनक राम की प्रेस वार्ता। बिहार में दलितों पर हो रहा है अत्याचार, महागठबंधन की सरकार बनते बढ़ गया अपराधी का मनोबल रोहतास में। दलित महिला के साथ दुराचार, अपराधियों को नहीं पकड़ती है पुलिस प्रशासन, अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, अपराधी पर नहीं बल्कि पीड़ित पर ही दबाव बनाती है पुलिस। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, ये सरकार दलित को संरक्षण दे रही है। पटना के शादी समारोह में 80% लोग शराब का सेवन करते हैं, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा शराब का सेवन। बिहार में कहीं कोई शराबबंदी नहीं है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नहीं होता लोगों की समस्या का समाधान। आसमान छू रहा है, जैसे ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। रोहतास जिले के दीनारा थाना अंतर्गत अजय पासवान जी की पत्नी सरिता पासवान जी 8 तारीख को स्वयं 6 बजे
घर से मंदिर में पूजा प्रार्थना करने जा रही थी, उसी गांव के अपराध प्रवृत्ति के एक अपराधी उस महिला को जबरन उठा करके घरों में ले जाता है और दुराचार करता है। आसपास के लोगों ने शोरगुल किया, उस पीड़ित परिवार के बच्चों ने शोरगुल मचाया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बुरी तरह से विवश जब महिला हो गई, शोरगुल मचा, तब घर से बाहर फेंक करके वो भाग चला। दुख की बात तो तब है कि बिहार में हो रहे अत्याचार अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ती ही नहीं, उसको बचाने में लग जाती है। देखने को तब मिला जब इस घटना को लेकर के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जब गठित करके और कल 2 बजे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां के पुलिस कप्तान के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी के मौजूदगी में उस महिला को उठा करके फिर सासाराम ले जाया जाता है। कारण क्या बताया गया कि 164 का बयान दिलाना है, मेडिकल चेकअप कराना है। ये घटना 8 तारीख की हुई। एफआईआर में महिला जो कहती है एफआईआर नहीं होता है, महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने एफआईआर में क्या दर्शाता है, दुराचार करने का प्रयास किया गया। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन के और चचा भतीजे की सरकार में ये दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आवरों से खिलवाड़ हो रहा है और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार पीड़ित परिवार है उसके ऊपर उल्टे यादतन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी महिलाओं को अभी सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, कैसे पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कप्तान को निलंबित करना चाहिए, थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए कि एक बिहार में कानून का राज स्थापित हो सके। सिर्फ ढोंग रची जा रही है बिहार प्रदेश में कि एक कानून का राज है, संविधान का राज है। ये सरासर गलत है, अफवाह है, कहीं कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है। मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र का चौथे स्तंभ आप होते हैं। जिस तरह से आए दिन दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, जो अत्याचार बढ़ा है, आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश ही नहीं देश दुनिया में इस चीज़ को खबर छपती है। NCRV का रिपोर्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार अगर बढ़ा है तो बिहार प्रदेश है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे सम्मानित साथी पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने राजधानी के धरती पर बैठ करके जनता दरबार जो लगाते हैं, ऐसा क्यों नहीं वो आदेश जारी कर देते हैं कि जिस जिले में अगर काम नहीं होता है वहां की जनता, अगर हमारी जनता दरबार में कोई काम को लेकर के पहुंचता है तो त्वरित वहां के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सिद्ध होता है कि जिस जिले का समस्या मुख्यमंत्री के समकक्ष आता है वहां के थाना प्रभारी, वहां के BDO, वहां के कलेक्टर, वहां के SP जनता के आवाज को नहीं सुनता, उसकी समस्या को निराकरण नहीं करता है, जिसके वजह से बिहार के मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है और बिहार के मुख्यमंत्री के आदेश को स्वयं मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि उनके कागज उनके पास तक ही रह जाता है, वो आदेश को कोई प्रशासनिक अधिकारी अमल में नहीं लाता है। तो ये कार्रवाई तो सरकार को करना चाहिए। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में सटे योगी जी का राज है, वहां गुंडे थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं, या तो बिहार का शरण ले रहे हैं, नहीं तो नेपाल के शरण ले रहे हैं। बिहार के गुंडों को ये पता चल गया है कि अब सरकार नहीं है, गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। तो मुझे लगता है कि सरकार का एक दबिश होना चाहिए, एक डंके की चोट पर अपराधियों को डर और भय होनी चाहिए। ये बिहार के सरकार से अपराधियों को डर नाम का कोई चीज नहीं रह गया।
थाना प्रभारी ने कहा उस पीड़ित को, पीड़ित परिवार के लोगों को, जो पहले ही एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, और वो FIR में लिखवाता है, जो लिखो, जो महिला कहती है जो मेरे साथ बलात्कार हुआ, और कहता है जो उसमें लिखो जो बलात्कार का प्रयास हुआ। अब इस तरह के थाना प्रभारी को हमने कर बात किया, हम लोगों ने SP DSP से, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। ये तो स्थिति है। और मैं एक बात बता देता हूँ, आपने जो प्रश्न किया, अपराधी कोई भी हो, हम लोग कमजोर समाज से आते हैं, अत्याचार होता है और लोगों पर भी, मैं ये नहीं कहता हूँ जो अत्याचार नहीं होता है, लेकिन दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है, इसीलिए जो हम लोग कमजोर आदमी हैं। और अत्याचार इस तरह का होता है जो घर को उजाड़ करके वहाँ तालाब खोद दिया जाता है, ऐसे अत्याचार, पता नहीं चलता है कि उसका घर है, सीधे उठा के उसको फेंक देता है। तो इस तरह के भी अत्याचार होते हैं, जो उसमें सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, जो इस तरह से कमजोर वर्ग पर अत्याचार न हो। शरेंद्र, इतनी विभत्स घटना, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज सवेरे पेपर पढ़ रहे थे, एक घटना मसौढ़ी में हुई है, एक छात्रा को गोली मार दी गई, वो भी दलित की बेटी थी। परसों सिवान गए थे, बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि थी, वहाँ भी एक दलित को घसीट कर मारा गया। तो पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये सरकार आम लोगों को, खास करके दलित को संरक्षण नहीं दे पा रही है, उनके जितने भी गुंडे हैं दारू पी के इस तरह की कारोबार करते हैं। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दारू बंद है, कहीं भी दारू बंद नहीं है। मैं कल एक शादी समारोह में गया था, आश्चर्य लगा मुझे, इस पटना में बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, 80% लोग उसमें दारू पिए हुए। ये स्थिति है। और पूरे राज्य में दारू चल रहा है और दारू पी करके लोग बवाल कर रहे हैं, एक खास जात के लोग ज्यादा उसमें प्रभावी हैं, और वही लोग पूरे बिहार में अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बिहार में है, और कमजोर तबके जो दलित समाज के लोग हैं, उसकी माँ बहन, कमजोर आदमी को इसकी इज्जत लूटी जाती है, उसको मारपीट किया जाता है, उसका जमीन कब्जा किया जाता है, उसका घर उजाड़ा जाता है। तो इस तरह से पूरे जंगल राज स्थापित हो गया है बिहार में, और हम लोग चाहते हैं जो जंगल राज से मुक्ति मिले। मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के लोगों को उत्साहित करता हूं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं सोए रहते हैं कि क्या, ये मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, और जनता दरबार में जब इनका जिले का पदाधिकारी नहीं सुनता है तो यहाँ आते हैं, और वहाँ से आदेश करने के बाद भी उसका काम नहीं होता है, ये स्थिति बन गई। तो पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे और दलित समाज को संरक्षण देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।